Yeah, now I can hear you. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you, sir, for looking after all the boys and girls. I think this is 0.00000001%. Maybe even that number is wrong, of all the love that is being showered on you across the world. Ladies and gentlemen, I give you the birthday boy, Shahrukh Khan! Thank you very much. First of all, thank you, Karuna, for arranging all this, and all of you, which I can't say is from the office, but from my heart, for having done this. और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बैठ जाओ ना हमसे यार, I'm here for some time, so you don't have to worry. Sit guys, sit, please sit down. Thank you very much. Thank you. Honestly, for me, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही होती है मेरे जन्मदिन पे कि आप सब लोग यहाँ पर आते हैं. अभी मैं अपनी टीम को भी कह रहा हूँ थैंक यू फॉर योर बर्थडे विशेस. इफ यू ऑल, अगर आप लोग सेटल डाउन कर लोगे फिर मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ. एंड आई एम हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये जो दिन है ये सिर्फ आपके लिए ही निकाला जाता है. और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो टीम है जो फिल्में बनाती है, वो कुछ जल्दी से हिट फिल्में बनाए. सो दैट हम कुछ पैसे कमाएं और फिर उसके बाद हम एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम लें अपना, जिसके अंदर हम 1 से 2 लाख लोग जो है मिलकर एंजॉय कर सकें. तो उसके लिए मैंने कुछ वक्त लिया, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कि मुझे नॉट बिकॉज आई नीड टू डू अ बेटर फिल्म और समथिंग, बट इसलिए कि हम बड़ी फिल्म बना सकें, कि अगले 4-5 साल में अपना हॉल हो, अपनी जगह हो, आप सबके बच्चे हों, और इन सबको लेकर आप फिर मेरे जन्मदिन पे आओ. बिकॉज आई हैव लिव्ड नियरली 1/3 ऑफ माई लाइफ नाउ. आई एम गोइंग टू लिव इन वेरी लॉन्ग इंशाल्लाह. एंड फॉर मी आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद ऑल ऑफ यू, एज मेनी ऑफ यू एज कैन बी विद मी फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स इंशाल्लाह. सो बहुत बहुत धन्यवाद दैट यू ऑल आर हियर. आई नो यू कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड मुझे ये बात कभी भी समझ में नहीं आती कि मैंने ऐसा क्या किया है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो. और अब मैंने वो समझना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे को सलमान ने सिखाया है कि मैं समझ में नहीं आता हूँ, दिल में आता है. और दूसरी बात, मैं अपने टीम से कह रहा था, पूजा से बता रहा था कि आप लोग सब घर में आते हो, हॉल में नहीं आते, तो हॉल में आना शुरू कर दो. बट आई लव यू ऑल वेरी वेरी मच. थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू. आई नो इट्स वी ट्राई एज मच एज वी कैन ऑल ऑफ अस टू मेक दिस एज कंफर्टेबल एज इट इज पॉसिबल फॉर यू. और मुझे मालूम है उसमें भी बहुत सारा वक्त लग जाता है, आपको इंतजार करना पड़ता है, धूप भी होती है घर में भी. आई नो यू गाइस आर वेरी काइंड, बट आई विश आई कैन शो मोर काइंडनेस विद माई टीम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह व्हेन वी मीट टुगेदर. और क्योंकि मैं आपसे और भी बातचीत करूँगा, और भी चीज़ें जो आप चाहेंगे मुझसे पूछना. और इससे पहले, क्योंकि एक लड़का यहाँ है बोल यार अनाउंसमेंट वगैरह ऐसे बोल रहा है, तो लाइक आई सेड दो तीन चीज़ें थी जो मेरे लिए बहुत अहम थी. एक उसमें यह था कि मैं थोड़ा सा वक्त लूँ, मेरे को थोड़ा जब चोट वोट लगती है हर बारी मैं काम करता रहता हूँ तो फिर मैं उसको रिकवर नहीं कर सकता. सो आई थॉट आई टेक सम टाइम आउट एंड रिकवर फुली विच आई हैव.
और मेरा और दूसरा ये माय चिल्ड्रन वर गोइंग टू कॉलेजेस तो मेरे को लगा उनके साथ थोड़ा वक्त बिताऊं. तीसरा ये कि ऐसी कहानियां सोचूं ऐसा सुनूं जो आप सबको पसंद आए वो ही नहीं जो मुझे सिर्फ पसंद आए. सो आई विल सो जस्ट सो दैट यू नो इट फर्स्ट हैंड आई एम बीन वर्किंग ऑन लॉट ऑफ फिल्म्स लॉट ऑफ फ्रेंड्स लॉट ऑफ डायरेक्टर्स आर वर्किंग एंड इंशाल्लाह मेरी आदत यह है कि जब मैं फिल्म शुरू कर दूँ तो तब उसके बारे में कहूँ थोड़ा अच्छा लगता है बिकॉज देन वी ऑल्सो नो हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे. तो इंशाल्लाह दो तीन महीने के अंदर जैसी फिल्में तैयार हो जाएंगी आप सबको मैं बता दूंगा और ऐसा करेंगे. और इसलिए आई नो लॉट ऑफ पीपल वर राइटिंग ऑन सोशल मीडिया एंड लॉट ऑफ मीडिया पीपल कीप स्पेक्यूलेटिंग दैट आई मे बी अनाउंसिंग अ फिल्म ऑन माय बर्थडे. बट द ब्यूटी ऑफ माय फिल्म्स बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू इज कि जिस दिन भी अनाउंस करेंगे उसी दिन हम सबका जन्मदिन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड वी सेलिब्रेट इट लाइक दैट एंड मोर देन द अनाउंसमेंट बिकॉज आई थिंक आई ओ इट टू यू. बिकॉज जब मेरी फिल्म अच्छी होती है आप बहुत खुश होते हैं जब बुरी होती है आप बहुत दुखी होते हैं. तो मैं आई अंडरस्टैंड दैट आई रिस्पेक्ट दैट. और कभी ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश करता हूँ पूरी फिल्म बनाने का बन जाती है. बट और वैसे ही मैं कभी अच्छी फिल्म बनाने की भी कोशिश नहीं करता हूँ बन जाती है. सो या लाइक इस की हाँ छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती है. So what I'll do is I'll work hard, inshallah, I'll get healthier. And for me, it is not just working for me. It is working for the pride, the happiness, the love, the warmth, the kindness. जो खुशी से जो प्यार से जो मोहब्बत से आप मुझे इतना देते हैं मैं यही कोशिश करूँगा. So I'll work very hard. So I my son's friend Manav had made this video with all the inputs. सब कुछ कर दूंगा, action भी कर दूंगा, romance भी कर दूंगा, comedy भी कर दूंगा, एक सब हर किस्म की फिल्म करूंगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करना. एक ही बस अब मैं फटाफट एक action भी कर दूंगा, मैंने बोला ना डांस वाली भी कर दूंगा, romance वाली भी कर दूंगा. So I'll work very hard next year, inshallah, and try and finish as many films as I can. So we all have more moments of happiness, not because of me, because I know how much you enjoy watching films, not only mine, other actors also. And ये हमारा काम है. और बहुत 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 सालों के बाद मुझे भी मौका मिला कि 6-8 महीने में दूसरों की फिल्में देखी तो मैं और भी ज़्यादा इंस्पायर हो चुका हूँ मैं. So let's अब जब तूने इंटरप्ट कर ही दिया है इसका था कि ये शाहरुख की तो सुनोगे पहले मेरी सुनो. हमने सुन ली तेरी, हम पहले केक काटते हैं. So then we'll continue talking. You know, you already started it, but all the beautiful things that you said, I really can't wait. I think कोई इतना इंतजार नहीं करा है लाइफ में कि आपकी फिल्म आएगी. Finally it'll be announced, but because it is your day, man. It is all about you. So everybody get up. Khade ho jao. Here we go. You know what? Guys. Listen, it's his birthday. You're all here. But there is a team that is working behind the scenes to make sure that this goes on. So everyone, Geetika, Pooja, Karuna ma'am, Bilal, Sneh, just all of us. Come. While sir is cutting his cake, the team should join in. Come guys. We'll be right back.
Okay, sit everybody. Everybody. Okay. Now, आपने जो इतनी बातें की हैं, वो लोग वहाँ पे चिल्ला रहे हैं, शारुख, but also there are a lot of these people जिनके पास कुछ सवाल हैं आपको पूछने के लिए. And I'm right. And we got Vidhi. Vidhi is going to tell me where the question is coming from. Yes, we'll start. We'll start with the lady there. हाँ मुझे यार अपना नाम भी बता देना प्लीज व्हेन यू से इट सो देन आई कैन एड्रेस यू प्रॉपर्ली. हाय हाय माय नेम इज जुइली देसाई. जुइली देसाई या यू कॉल मी जुइली देसाई वंस सो आई एम फाइन विद जुइली देसाई. ओके नो यू आर जुइली देसाई. या माय क्वेश्चन वाज हाउ डू यू मैनेज टू बैलेंस योर सोशल एंड पर्सनल लाइफ सो वेल. एक्चुअली आई माय पर्सनल लाइफ इज वेरी सिंपल. I just go home and spend time with Gauri and my kids. And I'm actually, in personal life, I'm very boring. I just go home and that's it. So whenever I'm not working out, which is in terms of going for shooting, then I'm just at home and I'm little unsocial. So I go to parties where I'm supposed to go, but I'd rather just sit at home and eat some chips, have some colas, watch some, stuff on television or whatever. And read some books. So it gets balance itself. I mean, for 26 years I've been working for 12 hours a day or 15 hours a day, and I've made it up now whole year. I've been just sitting at home and being personal with my children and my wife and my sister. Thank you. वो तो signature होगा ना. I love you. Okay, Vidhi, next one. The gentleman there, yes sir. अपना नाम बता दीजिएगा. Good evening sir, very happy birthday. I am Tino from Mumbai. Tino. Yes. Thank you, Tino. My question is, when you started, what was in your mind? Did you know what acting was your thing? Was there any fear of failing in it and having nothing to rely to survive? Actually, Tino, I was fortunate also, very unfortunate also, because. When I came to Mumbai to work, I had lost everything in my life. So, you know, my parents, and it was very sad. We had no money. I only had a sister who was rather unwell at that time. And I just gotten married. I had no house. So, I could not think anything can be worse than this. So, jo bhi hoga, mujhe laga, achha hi hoga. So, in a strange way, the negativity in my life made me feel, isse niche to nahi ho sakti zindagi, to achha hi hoga. So, everything was very positive. So, I never thought ki abhi kya main kho dunga. So whatever I got, whether it was, you know, so I just went into work and I said, ye achha hi hai sab. So if I didn't have a house, if I, you know, there were friends who helped me. There was Juhi, there was Aziz, there was Rajiv Mehra. Un logon ne apne ghar de diye mujhko, kisi ne kam kiraye pe, Vivek Vaswani. They were all very kind to me and they just looked after me. And I think I was just happy I had somebody to look after me and everything seemed very good, yeah. So I never had a problem ki, aur abhi bhi main waisa hi hoon. Mujhe aisa lagta nahi, mujhe lagta hai ki maine, there's nothing to lose ever. I don't think, you know, I always tell people that losing is not an option. And why losing is not an option is not because we think, main pompous nahi ho raha, ki main kabhi harunga nahi. But losing is not an option because you can never lose. And genuinely I mean that. In life, things do become all right. They may not seem so. They may take a little while, but I think things become all right only. Or, हम लोग जो है actually हम लोग की habit है लोगों की कि जो चीज कभी-कभी अच्छी भी हो रही होती और तो हम कोई उसमें negative चीज ढूंढ कर यार लेकिन वो नहीं हुआ अबे यार वैसा क्यों नहीं हो रहा है. So we keep thinking about negative things. So doubt should be removed from your head and you should enjoy every moment. Like for me, there is nothing more important. It's my birthday, my children, my family waiting for me. But nothing is more important than being here and being happy with you. And honestly, you should just enjoy this moment and then I'll be in my car, then I'll be with my family and nothing will be more important than that. So please try and live moment to moment. Be happy, don't think long term. Kisi ko future bhi nahi pata hai aur past kabhi bhi pareshan nahi karega. So just be positive and be happy. एक छोटी सी चीज इत्तेफाक है उसने जो सवाल पूछा है दैट यू लॉस्ट योर लव्ड वंस यू आल्सो मेंशन देयर इज अ बादशाह हु इज अ सिंगर हु इज दिस डेमी गॉड
And he had a message for you, जो उसने आज Instagram पे डाला है, and it's beautiful because he says, शरारत भरी आँखों में लाखों थे सपने, जब छूटे अपने तो लाखों बने अपने, तेरा फितूर हद से पार जाता रहता है, हर साल पहले से ज़्यादा तुझ पे प्यार आता है. You probably did not have the time to look at all the messages. But isn't it? इस मेरे को ना इस शायरी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है बादशाह से. उसके अंदर बीच में उसने बोला नहीं बादशाह बादशाह बादशाह. I'll call him and I'll tell him. It's your boy बादशाह. All right, next question. Yes, sir. Hello, sir. I'm Yash from Mumbai. Hey, बैठ जाओ. Yash. First of all, a very happy birthday to Yash. Yash, ना? Yes. Thank you, Yash. My question is, do you believe in birthday resolutions? And if yes, what is your birthday resolution this year? Birthday resolution? Just to make a lot of films, yeah. But I'll, inshallah, I don't believe in resolutions. मुझे ऐसा लगता है कि बस सोच लो और फिर कर लो. तो मैं genuinely जो है ऐसा feel कर रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी जल्दी जल्दी फिल्में बनानी चाहिए. ऐसा सोच तो रहा हूँ मैं, लेकिन शायद ना भी हो, जल्दी जल्दी नहीं बने, आराम आराम से बने. बट मैं अच्छी फिल्में बनाऊँगा. I also want to spend a little more time with my little one, because फिर वो बड़े हो जाते हैं ना, या फिर वो अपना काम करने लग जाते हैं तो मिलते नहीं हैं. You'll realize when you have children, about at 10 they become different. So I just want to spend max another couple of years with him as much as I can. But resolution wise, just to be healthier, you know, because I was watching this AV that Manav had made, Aryan's friend. Thank you, Manav. He had made this with the help of Karuna and the whole team. And I just when I see myself, कि मैं इतनी energy से काम कर रहा हूँ, so I always think how can I outdo this, how can I do better than this, how can I feel better than this. So the resolution is to be so healthy and feel so good that whatever I did in these last 25-30 years, I can do it with double the energy and happiness. That's the resolution. Okay, next question is coming in from this side. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, Sharuk. I'm Beate from Austria. Say your name again, Arin. Beate. Beate? Yeah. Okay. Hum pyar se bolte hain dekho bas. Pyar se. Pyar se. I love you too. Thank you. Where in Austria? Near Vienna. Okay. Yeah. And my question is, which is your favorite Italian dish and do you know how to make it? I actually, I'm not much of a foodie. So yeah, it's pasta. So I forget now what it is called. I like the white pasta. But I'm learning now because my thing is I should know 10 dishes to make from kya bolte hain shuru mein jo dete hain khana appetizers aglio olio starter se lekar dessert tak. So I'm just learning, but I think pasta is what I like, and I'm sorry if people are vegetarian here. But I like every chicken dish, so I'm trying to learn some Italian chicken dish. Thank you, Pyarta, Pyare. All right, next question. Yes, there's a lady there. Where? There, at the back. Wow, right at the back. Hi, Shahrukh sir. This is Rakshit from SRK Chennai FC. First of all, I wish you a very, very, very happy birthday. Thank you, Rakshit. 3 cheers for Shahrukh Khan for his birthday. Thank you. Thank you, Rakshit. Sir, I have a question. Sir, my question is, how do you miss your mom and dad now? And do you share your stories, whatever you have spent with your mom and dad, with Abraham and your children? Actually, yeah, they're so long gone. Even I don't remember most of the stories. So, Aryan, I remember. Aryan and Sohana, when they were growing up, they would tell them stories about my parents, ki how was my father. Because actually I'll be very honest, and I want to thank people amongst you. I don't even have too many pictures of my parents except the one that you people only posted back to me, and I don't tell them stories. You know, it's so long ago. I don't even actually, what, 1981 my father died here. So that's 91, 2001, 2011, 35 years ago, you know. So no, I don't share too many of the stories because I think for my children, my parents have been kind of, how do you say, mixed with Gauri's parents.
तो उनको लगता है कि जो नाना और नानी होते हैं वो ही दादा और दादी भी होते हैं हमने ना zones में सबको decide करके बताया है कि कहाँ से सवाल आ रहा है so now there is a question that is coming from that particular zone itself yes sir sir अपना नाम बता दीजिएगा hello sir hello how are you fine sir this is Rahul hi Rahul नाम भी सुना मैंने happy birthday sir thank you Rahul bless you thank you for being here thank you sir Sorry, sir, ये थोड़ा अजीब नहीं है आपको किसी को राहुल एड्रेस करते हो like when you are talking to a Rahul it is little odd थोड़ा odd है ना हाँ मेरे को ऐसा लगता है इसकी मम्मी डैडी ने मेरा नाम कॉपी कर लिया alright Rahul what's the question man sir we all love your interview sir thank you so we would like to know that how do you maintain such calm attitude and positivity all the time See Rahul, when Bhagwan, Allah, God, whichever supreme power we all believe in, I think one, they're all the same. But I think when that supreme power gives you this kind of love, there is no negativity that can come in your mind. You know, I notice celebrities sometimes reacting to things because now we can. There's a social media and then there's obviously wonderful media where we can do interviews and chat with people, talk about what we felt. So to me, I just feel sometimes when they also react angrily at something. Agar kisi ne keh diya ki ye sahi nahi tha Shah Rukh ka ya uska Shah Rukh ka ye sahi tha. I don't think I need to react to it because every time I think that there are a million bad things being said about me, I know to counter them there are a billion good things being felt about me. So. I don't think I will ever lose a race if there was a race of bad things and I when I say bad things they could be true also I must have done some wrong things I may have you know been in wrong places behaved badly whatever but I will never lose a race over what people think is bad about me compared to what people think and the amount of good and love they give me so main hamesha jo hai aapki wajah se jeetta hi rehta hu सो मुझको ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि यार ये नेगेटिव बोलूं सो व्हेनेवर पीपल आर इंटरव्यूइंग मी इवन व्हेन दे आस्क मी अबाउट सम कंट्रोवर्सी और नेगेटिविटी आई जस्ट जोक अबाउट इट बिकॉज इट मींस नथिंग टू मी बिकॉज एक्चुअली इट मींस नथिंग टू यू ऑल एंड यू मीन द मोस्ट टू मी सो इफ यू मीन द मोस्ट टू मी दैट इज द एंड ऑफ इट ओके सर अभी तक जो सवाल आए हैं किसके सवाल ने आपको सबसे ज्यादा सोचने में मजबूर किया और यू हैड टू लाइक रियली लाइक टेल डीप एंड से Okay, so this is a good question. अभी तक जो सवाल है मुझे तो अभी तक चूज करना जरूरी है अभी करना मुझे आप क्यों पर है आपका बर्थडे एक तो ना ये ना बहुत गलत बात है कि आप लोग ना सिर्फ तीन कुछ इनाम दे रहे हो बेस्ट सवालों को आने वाले हैं ये तो सबको या तो मिलना चाहिए या सारे के सारे मुझको मिल जाना चाहिए मैंने बोला था एक मैं ले जाता हूँ एक आपका बर्थडे है एक करना रख लेंगे ओके हमने चलो तीन के पांच कर दिए चलो पांच हो गए तो पांच कर दिए अभी तक पूरे के पूरे पांच सवाल मुझे बहुत अच्छे लगे ओके वी विल चूज दिस एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन फ्रॉम देयर हेलो कहां है आप जो जो सवाल पूछ रहा है वो खड़े रहे बाकी सब बैठ जाएं प्लीज हां ठीक है नमस्कार शाहिद गुप्ता उधर नमस्कार कैसे हो आप आई एम रघुवीर from Delhi SRK Universe Ramuvi yes thank you Ramuvi for coming all the way from Delhi god bless you sabse pehle sir main aapko ek pyara sa message sunana chahta hu ji mere 7 saal ke bete ki taraf se uska naam Arjun hai okay usne kal raat 12 baje aapke liye bheja tha aaj Shahrukh town ji ko main to se happy birthday kehne ka तो ऐसा अभी अगर मैं ताया हो गया तो वो क्या भतीजा क्या था भतीजा यस सर भतीजा तो अर्जुन हाँ तो तुम भी मेरे भतीजे अर्जुन को थैंक यू बोल देना थैंक यू सर थैंक यू सर और मुझे बहुत खुशी है कि अर्जुन जो है रात को 12 बजे जागता रहता है बहुत सिर्फ आपके लिए सर आपके लिए सर सर मेरा क्वेश्चन है आपसे हाउ डू यू मैनेज योर पावरफुल सुपर स्टारडम योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ
and your crazy fans. From where you get so much energy? You know, like I said, yeah, I don't have to manage anything. I just have to get up in the morning and work. People don't believe it. People think I say it with modesty or goodness. But I really, really don't feel that I do anything special. And genuinely, for the last 15 years, you know, when I see other actors, actresses, other films, I find all of them better than me. And I just feel, okay, I should wake up in the morning. No, but I genuinely do. I really believe. See, I'll tell you, there is a saying. Okay, there is a saying, when people give you a lot of love, you become really great. And sometimes you become great enough to be humble. I think that is real greatness. And I think I've reached that level. And the humility is not because of the achievement. The humility is because I understand how much you invest in me as people, as boys, girls, parents, children. For this example, your son, little 7-year-old. I think, by the time he's 17, for a young kid who was not even in this world 7 years ago to know me, because of you, it's something that you are passing on my legacy, not only to my children, but other children also. So God has been very kind, you've been very kind, and I don't have to do anything. meri, tum logo ne future investment itni achhi kar di hai, mujhe kuch karne ki zarurat hi nahi. Thank you so much, sir. I love you, sir. Okay, hello. Ek sawal yahan se aa raha hai abhi. Hi, Shahrukh. Ji. Happy birthday, Deepak. Sir, I am from Bangalore and... Where in Bangalore? From Ishwarpur. Okay, you know now my family lives in Bangalore, yeah? Yes. Thank you. So, I wanted to ask, sir, on behalf of all the fans from Bangalore, from SRK Fans Association Bangalore, we are waiting every single day. Like, when will Shahrukh sir come to Bangalore? When will we get to see him in Bangalore? So I wanted to ask sir, when will you come to Bangalore, sir? I'll come very soon, yeah, because jo hamara wahan family ka ghar hai na, usko main bhi repair karwana chah raha hu, inshallah. So it's a small house. I was just telling my wife and I said, you know, we should go there. And so inshallah, I'll come very fast. And when I'm coming, then like, I will announce it to everybody so that I can get photographed with my airport look. And then quickly I'll go to my gym and announce again so that I'm photographed in my gym look. And then I will be in Bangalore and announce it to you through you only so they can take my Bangalore look. Love you, sir. Thank you. We'll also be there when we beat RCB. Sorry, guys. Sorry. We beat them both times, right? Okay. Next question. Is coming from this gentleman. Yes, sir. Namaskara, Shahrukh Khan. Utto apana Hartika Subhashikalo. Happy birthday. Thank you. Shahrukh ji, sir, jabhi aapka mauka milta Bangalore aane ka, to kuch waqt apna Bangalore Association ke saath waqt bitane mein apne ko mauka milega kya? Actually, you know, that's what I should do. I should tell Karuna and everybody that every year when we get together like this, maybe we should do it in different cities. So I can fly out there and then, you know, I can meet everybody from there, inshallah. So, but if I come there for some work, I'll 100% look you up and then we can meet for some time and chat, for sure. Shahrukh ji, ek baar mera naam boliye please, Guru. Tune apna naam bolne ke baad itna sara andu-bandu-kandu-bandu kiya tha, mein koi aata nahi. Tune samjha nahi, kya bola tha tune? Mera naam Guru sir. Nahi, uske baad kya bola tha tune? Da, main Canada mein aapko wish kiya tha. Haan, bol, main bhi bolta hoon phir. Utto apada Hartika Shubhashayagalu. Uttu apada Hartika Shubhashayagalu. Shubhashayagalu. Haan sir. Thank you so much, sir. Thank you, Guru. Thank you for coming here. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Isse zyada national integrity nahi ho sakti ho. Wo piche se aise kar raha hai. Hi, Shahrukh sir. Where is this question coming? Very happy birthday. There. I'm Anshul Gupta from New Delhi. Hi, Anshul. How are you? I'm good, sir. I'm really happy to see you, sir. Thank you. I'm very happy to see you also, Anshul. I come every year in Mumbai. And I'm sorry, I'm not from media. I'm not from any fan group. But bahut bada fan hu aapka, sir. Register nahi kar paya kahin apne aap ko, but I just managed to come here every year. Thank you, Anshul. And bahut khush hain ki aap yahan par aaye. Thank you so much. And you actually don't need to be registered or from the media.
as many people come, like I said, inshallah, we'll make a bigger hall next time so all of us who love each other can get together. Thank you so much, sir. And ek baat to bolna chahunga, sir. Like, abhi aap Delhi visit pe the, like you were in Panchal, got to know about that. So, although I tried to meet you there, but like I was badly ill. I'm not saying I could have reached you easily, but obviously, time lagta hai, mushkil hoti hai. And as I sometimes, I'm sorry I'm using this word, maybe make you feel emotional or something. I also used to visit Graham, which is jo Times of India ki backside mein. Main janta hu sir, main jata rehta hu wahan pe. Aur like not with the hope of ki aap mujhe milenge. But I also feel connected with your parents. And I just take flowers and go there on their graves. So not saying ki us tarah se main batane ke liye, but like I also feel thank like you. It was like my family also. No, it's very kind of you because I only get a few opportunities to go there. So aapka bahut bahut dhanyawad ki aap mere maa baap ka khayal rakh rahe ho. Thank you. Thank you so much, sir. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास वक्त है एक और सवाल का. हेलो, एक सवाल और ऑलरेडी माइक उन तक पहुंच चुका है. बाकी सब बैठ जाए. फोटो चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना, सवाल सवाल पूछना है या फोटो चाहिए? दोनों. किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता. ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन कमिंग इन फ्रॉम देयर. यस सर. Hello sir, I am Mandan from SRK University Mumbai. First of all, wish you a very happy birthday. And you'll see your name again, Manan. 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 Yes sir. Thank you, Manan. So my question for you is, are you happy with your legacy as a king of romance? Or would you like to add some more variety to your legacy with more varied characters? I would like to, yeah. I always thought, Manan, that I'll, because from being from theater, because I read a lot, I think a lot, I can create some interesting characters. So the hope is that only. Sometimes, jab main naya character karta hoon, phir log ko itna pasand nahi aata hai, to dukh hota ki, you know, you're trying to get that balance where people enjoy the film, get entertained also, and if I can engage you with a new character, I think I have enough in me to be able to do a few other good characters, and I don't mean that the ones I've done are not nice. Like I enjoyed Dawn, I enjoyed Chak De, I enjoyed My Name Is Khan. But because I'm in commercial cinema, so many people don't offer me that much. And one of the reasons I took a year off is, if I can get this marriage to happen, where I do commercial films, where song, dancing, and they're decent and dignified films, and if I can make the hero have a different kind of a character, instead of it being in only an artistic film, it is a commercial film with a hero, I don't like the hero type. Jab main shuruaat kiya tha film industry mein, so the first interview I think I gave was that I've come here to play character roles. And then mere jo dost the Vivek Vaswani aur mere jo producer the bahut khafa ho gaye the mujhse. Is that tum character role nahi, tum to hero ke role karne ke liye aaye ho. But mera idea ye hai ki hero ke role ke andar, if I can add a new dimension to the character. अदरवाइज मुझको ऐसा लगता है कि ऑल यू यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, थिएटर में कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, आई थिंक यू विल नॉट हैव इनफ एट योर डिस्पोजल टू लर्न फ्रॉम फिल्म मेकर्स लाइक मी एंड सो मेनी अदर वंडरफुल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो नए की खोज में कभी कभी मिसस्टेप हो जाता है. बट आई डोंट थिंक आई विल एवर गेट, हाउ डू आई से, डिसअपॉइंटेड सो मच दैट आई वोंट ट्राई इट. सो इंशाल्लाह इन द कमिंग 7-8 ईयर्स. और फिर मेरा जो बड़ा बेटा है आर्यन, तो उसने मुझे पिछले साल एक बात कही बहुत खूबसूरत सी. तो उसने कहा, हम जब बड़े हुए तो हमने कुछ कुछ होता देखा, बाजीगर देखा, बिकॉज दे वर बॉर्न 4-5 ईयर्स आफ्टर दोस फिल्म्स. ही सेड, बट अब्राहम के पास कोई ऐसा अच्छा कैरेक्टर और कमर्शियल फिल्म नहीं जिसको देख कर वो माने कि उसका बाप इतना बड़ा स्टार है. सो अगले 3-4 साल के अंदर आप एक ऐसी कमाल की फिल्म बना लेना. So Abraham also knows why so many people love him. So yeah, I work very hard to make sure I do some new characters. Okay, so those were the number of questions. लेकिन अब we have one more gift for you guys. But उससे पहले, sir, he said कि you know मिलने का मौका नहीं मिला. मुझे एक साल लगा आपसे वापस मिलने में. Last time also it was your birthday. But one thing that I know is that जो यहाँ पे मैंने सोच रखा अगर आप वो करेंगे तो I think these people are going to go पूरा अपना दिल जो है ना उनको जो सुकून मिलेगा. So
वहाँ कुछ म्यूजिक बजने वाला है ठीक है आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे बिकॉज आई नो यू वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल दैट आई मेट आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इस पर आपको क्या करना है बैकग्राउंड में म्यूजिक एंड देन यू विल सी द मैजिक ऑफ शाहरुख खान कैन वी प्ले डूड अगर ये रिकॉर्ड नहीं किया तो बाद में कोसोगे अपने आप को कैन वी प्ले द फर्स्ट ट्रैक एक मिनट और लगेगा ओके एक मिनट लगेगा उनको से सेट करने में लेकिन हमारे पास अब वो जो पांच गिफ्ट्स हैं वो ये जो सारे सवाल वाले थे इनमें से आपको कौन सा सवाल पसंद आया अगर आप बता दें मुश्किल है वैसे ऑल ऑफ देम आर रियली गुड बट इट्स द टफ चॉइस नाउ व्हाइल वी आर वेटिंग इफ यू वांट टू आस्क समथिंग कुछ पूछना है आपको उसको माइक जी So give him a mic, no? आप प्राइवेट जेट कब ला रहे हो प्राइवेट जेट हाँ सर प्राइवेट जेट आपका खुद का प्राइवेट जेट तू बेच रहा है तू बेच रहा है अब तू बेचेगा मैं नहीं लूँगा वो ले आओ सर प्लीज प्राइवेट जेट ले आओ सर आपका प्लीज तू मुझे बता तू क्या काम करता है तेरे पास बेचने को है तो ले लेता हूँ तू पायलट है तो तेरे को जॉब दे दूंगा तू स्टूडेंट है तो मैं जॉब दे दूंगा तो जो बोलेगा सर वो सूरत से उसके पास दो तीन डायमंड तो जेब में ऐसे रखे होंगे सूरत से तू फिर तो यार इंशाल्लाह दुआ कर ओके सो वो कौन एक सेकंड प्लीज एक सेकंड जिन्होंने सवाल पूछे थे वो जरा खड़े हो जाए जिन्होंने सवाल पूछे थे उसको देते बहुत उछल रहा है यार उसको दे दो ना माइक कौन ये हाँ व्हाइट टी शर्ट ना व्हाइट टी शर्ट हाँ ओके हाँ इनको 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 माइक दे दो यार माइक दे दे इसको इतना उछल रहा है ये सब जो ना बड़ी पर्सनल सी चीजें हैं फिर हम कुछ बात करते हैं तो उसकी बात की बात बनती है the goodness is the fact that whoever got hurt is all right उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज नहीं है एक सवाल थैंक यू सर there's some gorgeous girls who performed on stage they're from Indonesia so okay one question from the girls there maybe वो उसके पास माइक है बोल दे say sorry I just like say something very short yeah girls I'm sorry, please. Thank you so much. We are both from Turkey. Thank you. Coming all the way from Turkey, yeah, mashallah. Thank you so much. Thank you. Istanbul and Antalya. First of all, I would like to say a small story about Indian people and to you. thank you so much also for the FC Chennai FC team for being here. Thank you guys, so I appreciate it. Okay, little story. 2015, in 2015, while you were coming back from the Diwali film, you landed a connect flight via Istanbul. There was little ladies were waiting for you outside, but this is one of them in here. Okay, thank you. Okay? Thank you very much. Then the story is coming. She just landed the India 5 years ago. Without knowing any each word in English, just to see you. When she reached her aim, then she became the admin fan club page of the Turkey. And since 5 years, always has been visiting to you. I come with her for the first time. But to sum up, her Indian love and your love become her business. At the moment, she's buying products from India to selling in Turkey, and we are making outgoing trip to India with her, and that India, that's why become so love, and she is just kindly asking to you, well, when are you going to come to Turkey? Because there are too many fans waiting for you. Yes, thank you so much for all of you. Thank you very much, and I wish your business all goodness. And guys,
एक सेकंड आई होप आप इंशाल्लाह योर बिजनेस डज वेल एनी आई विल कम आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ फिल्म इन इस्तांबुल बिकॉज़ आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू शूट देयर सो इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड मीनवाइल थैंक यू फॉर डूइंग बिजनेस फ्रॉम इंडिया कीप ऑन फ्लरिशिंग एंड बाकी लोग भी ज्वाइन कर लो इनके साथ बिजनेस में पैसा हो जाएगा फिर गुजरात जाके हम एक जेट ले लेंगे फिर अलग अलग सिटीज में अलग अलग फैन क्लब्स में उसी प्लेन में जाया करेंगे सो थैंक यू फॉर स्टार्टिंग दिस फॉर अस थैंक यू ओके वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द गर्ल्स ऑफ इंडोनेशिया यस मैम वन 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 जी गाइस एक सेकंड यार वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू We are Rockstar Indonesia. Thank you. I don't have question for you. I just want you to know that this year our fans club will celebrate 17 years of our fans club. Thank you very much, all you girls, Rockstars from Indonesia. God bless you. I keep reading you guys on the social really? Media, and you people so are all very beautiful, mashallah. And when I come there next time, I'll spend more time with you. And I really look forward to seeing you. Thank you for being here and dancing so well, I've been made to understand. Thank you so much, sir. Okay. I think, sir, what we planned, it was ready. Guys, now silence, now shanti, because you don't want to miss this. Can we play track number one? Ye yaad ho jaye. Okay, Suren wants me to कोई ना कोई चीज ऐसी जब भी मैं म्यूजिक सुनूं इस फिल्म से जो याद है तो मुझे दो चीजें याद है एक इसका एक डायलॉग याद है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे अब एक्चुअली कमाल की बात यह है कि मुझे मालूम नहीं एक्चुअल डायलॉग क्या है कि वो छोटे छोटे देश थे कि बड़े बड़े देश थे बड़े बड़े देश थे ओके छोटे छोटे नहीं थे बड़े थे ओके देख तूने उल्टा बताया मुझको तब ना तूने छोटे छोटे कराया था शुरू में गुज्जू म्यूजिक तो बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं सो आई रिमेंबर दिस फ्रॉम द मूवी एंड ऑफ कोर्स आई रिमेंबर जस्ट स्टैंडिंग देयर विद माय वायलिन एंड माय टोपी लाइक दिस ओके ऑल आई हर्ड फ्रॉम दिस साइड वाज ओके track number two. मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढ तुम उसे क्या कहो पागलपन या दिल की धड़कन एक ही बात है मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा फिर क्या और मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करूंगा और उसके बाद और ये आखिरी वाला है बिकॉज हाल ही में इस फिल्म को 21 साल पूरे हुए थे Track I'm sorry, I forget things from my films. I'll tell you the reason I forget things from my films because जब मैं करता हूँ तो मुझे ये नहीं पता होता मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ सो मैं कभी भी आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं बट जो भी डायरेक्टर्स हैं कैमरामैन हैं राइटर्स हैं वट एवर आई डू इज बिकॉज ऑफ देम आई एम नॉट सेइंग इट आउट ऑफ मॉडेस्टी सो आई जस्ट डू इट एंड आई फॉरगेट इट दे लुक आफ्टर इट सो बिकॉज मुझे लगता है कि मैं वो कर दिया और इन्होंने किया है और ये सब संभाल लेंगे तो मुझे याद नहीं रहता है मुना याद रहा करेक्ट सो ट्रैक नंबर थ्री हम एक बार जीते हैं हम एक बार जीते हैं और प्यार और प्यार भी एक बार है कुछ कुछ होता है अंजलि तुम नहीं समझो ये मैं
इस डायलॉग के बारे में मैं करण को भी आज मिलूंगा, अभी रात को, तो उसको बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया में किसी भी माशूका या माशूक को, मर्द को या औरत को, बेवकूफ बनाने की सबसे अच्छी लाइन। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, इसका क्या मतलब है? अगर आप, आपके पास एक लड़का आया और उसने कहा कि राधिका मुझसे शादी, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सपोज एक लड़की आई, सीमा ने आके रवि को बोला कि रवि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अब इसका जवाब सुनिए आप, हम एक बार जीते हैं, हम एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार एक बार होता है। तुम नहीं समझोगी सीमा, तुम नहीं समझोगे रवि, कुछ कुछ होता है। और लगता है ऐसे कि कितनी रोमांटिक बात कही है। फिर उसकी फ्रेंड पूछती है उससे कि रवि सीमा ने हाँ बोल दिया, इसे पता नहीं यार, उसने बोला कुछ कुछ होता है, मैं समझूंगी नहीं। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द ग्रेटेस्ट डायलॉग करण जौहर हैज रिटन फॉर लवर्स विदाउट मेकिंग एनी कमिटमेंट टू एनीवन। इट जस्ट इंप्रेसेस यू वेरी मच। एवरीबॉडी बॉट इट, एवरीबॉडी बॉट इट, सबको यकीन है इस डायलॉग पे। और आप ये कभी भी ट्राई कर लेना, मुझसे यंग लड़के लड़कियां मिलते हैं बिकॉज दे थिंक आई एम रोमांटिक हीरो, सो दे आस्क मी This dialogue will never fail and never get you caught and never put you in trouble. You can always use this and us waqt lagega usko, jaise main Suren ko bol dun ki yaar hum ek baar jeete ek baar shaadi bhi ek baar hoti hai pyar, tu nahi samjhega Suren kuch kuch kar sir, kal milte hain, okay bye, aisa karke kuch pata farak nahi padta yaar tum ek second sir, main ye bahut ajeeb si baat nikli hai yahan se। एक गुज्जू आदमी कह रहा है कि कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है। ड्राई स्टेट का बैंड है तुम्हारी स्टेट में, पता है? इसके इसके फोटो डाल दो गुजरात में। आपने तो अपनी फिल्म में वो भी सिखा दी कि गुजरात में कैसे धंधा होता है। नहीं भाई, मैं अम्मी जान कहती थी अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। लेकिन ट्राई मत करना गुजरात में इस धंधे का, बहुत कौन सा डर हुआ। ओके ओके ओके, इसको वाला चाहिए तेरा बिल्कुल ना, तो एकदम नंबर वन अयाश निकल रहा है। तेरे को प्राइवेट प्लेन चाहिए, तेरे को सब शराब चाहिए, शबाब चाहिए, कबाब चाहिए, तो बहुत गलत आदमी है। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता, हम तो पीते यहां पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। इसके बाद मुझे मालूम नहीं है, मतलब बड़ा कोई इतना ही है बस यार। हाँ, हाउ वी कैन प्लीज। ओके सो जिन लोगों ने सवाल पूछे थे प्लीज जरा ओके। एक उन्होंने पूछा था, एक इन्होंने, एक इस लेडी ने, एक उन्होंने, द इंडोनेशियन गर्ल्स। आई थिंक फर्स्ट टू गिव द थिंग्स टू द गर्ल्स फर्स्ट, इंडोनेशियन गर्ल्स। मुझे क्या लगता है यार, सवाल सभी के अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। हाँ, सबसे अच्छा तेरा, तेरे को प्लेन दूंगा मैं। गिव इट टू दिस गर्ल्स, द यंग गर्ल्स है एंड दिस यंग लेडी हियर आल्सो। जिसने सवाल पूछा सब टूट पड़ेंगे। ओके नेक्स्ट वन सर, वो दो लड़के भी थे वहां पीछे भी थे, उसको दे दे मेरे अर्जुन, अर्जुन भतीजे को तो अर्जुन को दे देना प्लीज यार। इसको भी दे दो इसको भी सर, सर ये तो खर्चा करा रहे हैं आपका, ये तो चाहता कि आप जेट खरीदे। गुरु गुरु का है, नार कुंडा नार चप्पा बन रहे सर, सर यहाँ पे रक्षित, रक्षित रक्षित, एक रक्षित को भेज दो आखिरी है। सो गिव वन टू रक्षित प्लीज, रक्षित। सॉरी आई एम नॉट चूजिंग बेटर, अंशुल तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से यार। I can if you all want to dance it. Okay guys, now phone रख दो। This is your moment. This is your... तेरे को जब बैक मिलूंगा तुझे गिफ्ट दूंगा। तू गिफ्ट लेने आया था इतनी दूर, मम्मी और डैडी के ग्रेव पे जाके तू फूल चढ़ा रहा है और यहाँ पे आके गिफ्ट मांग रहा है तू मुझको। एकदम बिल्कुल कोई लगन नहीं होनी चाहिए तुझको, एकदम प्यार होना चाहिए ऐसा। ओके गाइस,
डायलॉग सुन लिया, अब ये ज्यादा बड़ा रिटर्न गिफ्ट है, खड़े हो जाओ सारे, बिकॉज ये वैसी हो सकती है। किसको आती है? किसको आती है? तो तू अपने कुर्सी पे खड़ा हो जा, कुर्सी पे खड़ा हो जा, गिरना नहीं है, गिरना जाना प्लीज, खड़ा हो सकता है कुर्सी पे, टूट जाएगी। अच्छा तो यहाँ आ जा सामने, आ जा सामने, आ जा इधर, आ जा इसको आने दे यहाँ पे प्लीज, थैंक यू। आप यहाँ पर डांस करना, मैं फॉलो करूंगा, ओके? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आप यहाँ डांस करना, मैं फॉलो करूंगा। उस तरफ मुंह करके करेगा तो सब फॉलो कर सकेंगे, नहीं? अरे बिठा दो सबको। ओके, छैया छैया, आपका नाम क्या बेटा? रोहित, रोहित फ्रॉम मेरठ जो है वो हमारे को लीड करेंगे। छैया आते हैं ना पूरे स्टेप, दिखा मुझे करके, दिखा, बुद्धू बना रहे हो, सिग्नेचर स्टेप कर दे बस, ऐसे खाली करके दिखा, ऐसे वाली करके, ये नहीं रे छैया छैया की स्टेप, ओके चल खड़ा हो जाए, ट्राई तो करते हैं। बैठो 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 बैठो, ओके, सिट 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 सिट,
अभी मैं बताता हूँ करेंगे क्या, ऐसे नहीं होगा, हम 15-15 लोगों को बाहर लेके जाएंगे, 15-15, ओके, एंड एवरीबॉडी गेट्स अ पिक्चर आउटसाइड वेयर यू गाइस एंटर्ड फ्रॉम, आ पीपल 15-15, अगर आप अपनी कुर्सी में नहीं बैठे हुए तो फिर कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि फिर आपकी बारी नहीं आएगी, क्योंकि हम रो वाइज लेके जाएंगे, ओके, सो सिट डाउन, सिट डाउन, जस्ट सिट सिट सिट, एवरीबॉडी सिट डाउन, मिलो मन आराम से सबको वहां पे, अभी देखो ये मैं पहले तो एक बता दूं कि मुझे लग रहा है हम सब ना बहुत मैच्योर हो गए ओवर द इयर्स, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से जो ऑर्गेनाइज आप लोग बैठे हैं मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, और अभी हम जल्दी से जाएंगे 10-15 बॉयज एंड गर्ल्स, आई मीट, आई डू द पिक्चर्स, यू वांट टू से समथिंग, गिव मी समथिंग, डू इट देयर, एंड इफ यू डू इट, और हम जितना अच्छी तरह से करेंगे ना यार, ये मुझे मालूम है एक्साइटमेंट भी होता है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ की है कि हम लोग ना ऑर्गेनाइज नहीं होते, मेरे मीडिया के भी सब दोस्त यहाँ बैठे हैं, जब हम फोटोग्राफ्स करते हैं सब इतना धीरे, मैं आराम से कहता हूँ आराम से करो, फोटो भी अच्छी आएगी, आउट ऑफ फोकस नहीं होगी, आपका बेस्ट साइड आएगा, मैं भी हैंडसम लगूंगा, तो सब कुछ कूल होगा, वहाँ पे जब आए मेरे साथ ऐसे प्यार से खड़े होकर अच्छी तरह स्माइल करके फोटो खिंचाएं, ये सब नहीं करना कि अरे ऐसा 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 सब, तो फिर सब फोटो खराब हो जाती है, और मेरे जो मुश्तंडे हैं रवि साहब वो एकदम ऐसा भगा देंगे, दिखा दो ये रे, इन सब से रवि से मंगा नहीं लेना, ओके, सो 15-15 लोग प्लीज कम, आई विल वेट, मैं 15-15 एक एक करके वो आपको बताएंगे कौन सा रोज आ रहा है, तब तक बैठे रहना, मैं ले लूंगा तेरा कार्ड बेटा, फिक्र मत कर, बांग्लादेश से आए तो सबको वहीं पे फोटो मिलेगा, चाहे आप बांग्लादेश, बेंगलुरु, बर्मिंघम, ब्राजील, सबको वहीं फोटो मिलेगा, ओके, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग अ गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑलराइट गाइस, 15-15 पीपल, the people who are standing at the foyer, they will guide you, be careful, please yaar bhagdadi mat karna, thank you so much everybody, thank you.